हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं माय चैनल कुक फूड पैराडाइज। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑरेंज पॉप्सिकल आइसक्रीम, बिल्कुल बाजार जैसी और बहुत ही तुरंत बन जाती है। तो इसे आज हम बनाएंगे रसना से, जो फटाफट से सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट के हेल्प से आप इसे ईजिली अपने घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे एक बॉल और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो इस मेजरिंग कप की हेल्प से हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम 4 कप पानी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 कप पानी ले लिया है और अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो 4 कप पानी में हम लेंगे 1 कप चीनी और इसे हम डाल देंगे। और चीनी को हमें पानी में मिक्स करना है जब तक वो पूरे अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे नींबू। नींबू का रस डालने से इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा बनाता है आइसक्रीम में और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से हम नींबू डाल देंगे। तो मैं 1 नींबू का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे से इसमें नींबू डाल दें। तो यहाँ पे मैंने नींबू डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें अब हम डालेंगे रसना। तो यहाँ पे मैंने ये वाली रसना का यूज़ किया हुआ है। इसमें 2 पैक रहता है, 2 पाउच। एक आता है लिक्विड और एक आता है पाउडर फॉर्म में। तो दोनों को हम इसमें डालेंगे और अलग से हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे हम डाल देते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने 1 ही पाउच का यूज़ किया हुआ है, मतलब 1 ही पैकेट का यूज़ किया हुआ है जिसमें 2 पाउच है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे अब हम छान लेंगे। इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे दाने हैं वो हम हटा लेंगे छान कर। तो इसे हम छान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से छान लिया है और इसे हम साइड पे करते हैं। और यहाँ पे मैंने पॉप्सिकल मोल्ड दिया हुआ है, जो मेरा इस तरह का मोल्ड है। आप चाहे तो इसे किसी और टाइप के मोल्ड में भी जमा सकते हैं। और आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो आप पेपर का जो कप आता है चाय पीने वाला, आप उसमें भी जमा सकते हैं या फिर आप कुल्फी मोल्ड में भी जमा सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से इसमें फिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से फिल कर दिया है और ये स्टिक है मेरा जो इसमें हम लगा देंगे इस तरह से। और इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। तो यहाँ पे मेरी आइसक्रीम जम चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं। तो इसे हम अभी इस तरह से नहीं निकालेंगे, इसे थोड़ा सा पानी में हम डिप करेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे मैंने इस तरह वाली मोल्ड लिया हुआ है जो जिसे हम कुल्फी मोल्ड बोलते हैं और इसे भी हम इसमें फिल कर देंगे। और इस तरह से हम ये स्टिक लगा देंगे इसमें। ये अभी सेंटर में नहीं होगा क्योंकि हमारा जो आइसक्रीम है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो 2 घंटे हम इसे पहले जमने देंगे और उसके बाद हम स्टिक को सीधी कर देंगे। तो अभी ये टेढ़ी रहेगी मेरी स्टिक। तो सबको हम रख देते हैं फ्रीजर में 2 घंटे के लिए और उसके बाद हम स्टिक को सीधी कर देंगे और उसके बाद हम ओवरनाइट या 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे जमने देंगे।
फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी और अपने किचन में आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि यह रेसिपी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। You sound good.